भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन गाना अत्यंत आवश्यक है। और कलयुग में भगवान उनके भजन और कीर्तन से ही प्रकट हो सकते हैं। वैसे आज भागवत का प्रारंभ है, परंतु भागवत के अंत में सुध गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का, उनके गुण का, रूप लीला का कीर्तन ही उनको प्रकट कर सकता है। तो आज हमारे इस गांव में जहां भागवत कथा होने जा रही है, हम सब मिलकर भगवान का आवाहन करेंगे, भगवान को प्रकट करेंगे। और यह करने के लिए एक छोटा सा भजन गाएंगे जिसे हम प्रतिदिन गाएंगे। भजन बहुत सरल है, छोटा सा है। इस भजन के बोल हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। बहुत छोटा सा भजन है। इसका अर्थ है, जय राधा माधव, राधा और माधव की जय हो। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के पति है, नाथ है, उसे माधव कहते हैं। तो राधा और कृष्ण की जय हो, जो वृंदावन के निकुंज में विहार करते हैं, ऐसे युगल सरकार की जय हो। जो गोपियों के वल्लभ है, अर्थात वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, जो गोपियों के प्रिय है और जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन अपनी एक उंगली पर धारण किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। यशोदा नंदन, जो यशोदा को आनंद देने वाले हैं, और यशोदा ही नहीं, इस ब्रज 84 कोष में रहने वाले समस्त ब्रजवासियों को जो आनंद देने वाले हैं, ऐसे ब्रज जन रंजन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और यमुना तीर वनचारी, जो यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर विहार करते हैं, ऐसे कृष्ण की जय हो। तो यही भजन है, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। इस छोटे से भजन को हम सुंदर राग के साथ, ताल के साथ और सुर के साथ इसे हम गाएंगे। परंतु याद रहे, गाने का नियम है, जब कोई भजन गा रहा हो, लीडिंग कर रहा हो, तो पहले उनके द्वारा गाए हुए शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए।
किस ट्यून में गा रहा है, किस राग में गा रहा है, किस शब्द को बोल रहा है, इसे ध्यान से सुने और सुनकर वह पद समाप्त होने पर उसे गाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब लोग साथ में गाने लगे, पहले हम गाएंगे उसके पीछे आप उसका अनुशीलन करेंगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं भजन से। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन रज जन रंजन, यशोदानंदन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारे 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा गुणा गिरिवर दार गोपाल जय नंद यशोदा गुणा गिरिवर दार गोपाल
गोपाल गोपाल गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए प्रेम से भगवान का पवित्र नाम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाई हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी टोक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी
ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय श्री कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद हशील प्रभुपाद जय धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराश्रमद्भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमल्तो महान शुचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नह पर शुचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो
नह पर वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिम बफल दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रवेश मम वा जमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलश तिधर स्वधाना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत मेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परम सौभाग्य श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आराध्य भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। तदंतर
ये भगवत कथा निर्विघ्न संपन्न हो, जिसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, अतः समस्त विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, इस संसार में गजानन गणपति महाराज सभी मनुष्य के विघ्नों को हरते हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जाम्बु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी संसार के समस्त मनुष्यों के विघ्नों को हरते हैं, परंतु गणेश जी में, गणपति जी में संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति कहाँ से आती है? इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज। गजानन गणपति महाराज अपना मस्तक नरसिंहदेव भगवान के चरणों में झुकाते हैं और उस नरसिंहदेव भगवान के चरणों से आशीर्वाद लेकर दुनिया के समस्त विघ्नों को हरते हैं। ऐसे भगवान नरसिंहदेव के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि इस कथा के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। और वर्तमान में तो सबसे बड़ा विघ्न है वर्षा, कम से कम कथा के समय वर्षा न हो। और साथ ही साथ कलयुग पावन अवतार परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। शास्त्रों के सिद्धांत को समझना अत्यंत कठिन है। कहते हैं समंदर के समान विशाल है, जैसे समुद्र का कोई और छोर नहीं है, वैसे शास्त्र और सिद्धांतों का कोई और छोर नहीं है। इसे समझना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है, परंतु कहते हैं यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक बालक भी, एक मूर्ख भी इस शास्त्र के सिद्धांत को समझ सकता है और इसका पार पा सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वंदन करते हैं जो आज से 525 वर्ष पूर्व साक्षात कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए और पापी तापी म्लेच्छ यवन को भी अपने गले लगाकर शुद्ध भक्ति का दान किए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को शत शत वंदन करते हैं। तत्पश्चात षड गोस्वामी वृंद रूप सनातन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के टीकाकार शिपाचिदर स्वामी चक्रवर्ती पाद बलदेव विद्याभूषण इन समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने इस भागवत को न केवल भारत अपितु विश्व ब्रह्मांड में स्थापित किया, जैसे भागवत की उत्पत्ति हुई, भागवत का प्राकट्य हुआ भारत में, परंतु इस भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को भारत से बाहर अमेरिका लेकर गए और इस भागवत को केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रस्थापित किया
और शुद्ध भक्ति का प्रचार कर दिया। एक दिन जो लोग शराब के नशे में झूम रहे थे, इस भागवत का प्रचार करके जिन्होंने हरि नाम के नशे में झुमा दिया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से, जिनके परपोट को पढ़कर, तात्पर्य को पढ़कर श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, ऐसे प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। तदंतर हमारे गुरुदेव जिन्होंने हम पर कृपा करके इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हमें स्थान प्रदान किया, जिन्होंने दीक्षा देकर हमें इस दिव्य परंपरा के साथ जोड़ दिया, जिनकी कृपा से, जिनके मुखारविंद से भगवत कथा सुनकर आज व्यास मंच पर बैठने का हम साहस किए हैं, ऐसे परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। साथ ही साथ दृष्ट अदृष्ट समस्त देवी देवता, भक्ति देवी, तुलसी देवी के चरणों में वंदन करते हुए इस व्यास मंच पर आसीन, जिसे पृथ्वी के देवता कहा गया है, जिसे भूदेव कहते हैं, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं जो यहाँ पर भागवत पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए। हालांकि इनका स्थान हमसे ऊपर होना चाहिए, परंतु नीचे हैं। इन ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं और ऊपर से ब्रजवासी भी हैं। ऐसा कहा गया है, जगत गुरु ब्राह्मण, इस दुनिया में सबके गुरु ब्राह्मण हैं, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। दुनिया में सबके गुरु ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के गुरु हैं सन्यासी, लेकिन सन्यासी के गुरु हैं ब्रजवासी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु ब्रजवासी। इसका अर्थ है यहां तो सब लोग गुरु ही बैठे हैं, इसलिए आप समस्त भक्तों के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ 7 दिन तक हम भगवत कथा का गान कर सकें। अपना परिचय यदि मैं आपको दूं तो न तो मैं कोई विद्वान हूँ, न पंडित हूँ, ठीक से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप सबका प्रेम है जिसे आप सब लोगों ने मुझे इतना ऊपर स्थान दिया है। यद्यपि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, परंतु बस आपके प्रेम के खातिर हम यहाँ पर बैठे हैं और साथ मिलकर जुलकर हम इस भगवत कथा का श्रवण करेंगे। और अंत में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सारस्वत परिवार को, जिन्होंने अपना तन, मन और धन लगाकर इस भागवत कथा का आयोजन किया। वास्तव में जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो ऐसा लिखा जाता है और कहा भी जाता है कि हमारे पितरों के उद्धार के लिए हम भागवत कथा का आयोजन किए हैं, इसलिए आप सब कथा में पधारिए। ऐसा लोक में मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने के लिए भागवत कथा की जाती है। वास्तविक बात यह है भक्तों, ये भागवत कथा
पितृओं के मोक्षार्थ नहीं, पितृओं के पुण्यार्थ ये भागवत कथा होती है। ऐसा हम मानते हैं कि पितृओं का मोक्ष करने के लिए भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पितृओं ने बहुत बहुत पुण्य किए हैं, उन पितृओं के पुण्य के कारण आज हम सबको भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदावे। ये भागवत का आयोजन वही कर सकता है, ये भागवत को वही सुन सकता है जिसने और जिनके पितरों ने बहुत बहुत पुण्य किए हैं। तो निश्चित सारस्वत परिवार के पितरों ने बहुत बहुत पुण्य किए हैं, जिसके फल स्वरूप आज भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पितरों के पुण्य के फल स्वरूप भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसका अर्थ है पुण्य का फल है भागवत। हमने हमारे जीवन में या पितरों ने कुछ पुण्य किए होंगे, उस पुण्य का फल है भागवत। तो पुण्य का फल है भागवत, तो प्रश्न हो सकता है तो फिर भागवत सुनने का फल क्या है? भक्तों, पुण्य का फल है भागवत और भागवत सुनने का फल है प्रेम। कृष्ण से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, यही है भागवत का फल। और इस फल को प्राप्त करने के लिए आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी इसी फल को लेने के लिए आया हूं, भगवत प्रेम। इस भागवत को सुनकर हमारे हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं या भगवान के प्रति प्रेम को और बढ़ा सकते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। क्योंकि जब तक इस संसार में भटकते हुए जीव को भगवान से प्रेम नहीं हो जाता है, तब तक वह संसार में भटकते रहता है, दर दर ठोकर खाते रहता है और इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जीव का उद्धार तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह ईश्वर से, भगवान से प्रेम नहीं कर लेता है। और जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाए, समझ लो वही है मुक्ति। मुक्ति का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है, मुक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम। कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा है, मुक्ति माने व्यक्ति का शरीर छूट जाए और एक ज्योति बनकर चला जाए है? मुक्ति जीते जी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जीते जी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भागवत के एकादश स्कंद में मुक्ति की व्याख्या दी गई है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना। आज हम लोग हमारे स्वरूप में स्थित नहीं है। आज किसी को पूछा जाए, आप कौन हो? मैं डॉक्टर हूं। आप कौन? हु आर यू? आई एम इंजीनियर। आप कौन? मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने का मालिक हूं। आज हम लोग यह सब हमारी पहचान दे रहे हैं, लेकिन यह सब हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। ये हमारी क्षणिक पहचान है, ये हमारी टेम्पररी पहचान है। हमारी वास्तविक पहचान तो कुछ और है। तो हमारी वास्तविक पहचान में स्थित हो जाना, हम जो है उस भाव में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। ये जीव भगवान का अंश है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी करशति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अर्जुन इस संसार में जितने भी जीव हैं, मम एव अंशः, ये सारे जीव मेरे अंश हैं।
ये सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के अंश होने के नाते हम लोग आत्मा हैं। भगवान के अंश हैं इसलिए भगवान के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध है। हमारा भगवान के साथ पिता और पुत्र का संबंध है, या सखा का संबंध है, या प्रिय प्रियतम का संबंध है। कुछ ना कुछ भगवान के साथ संबंध है जो आज हम भूल चुके हैं। उस संबंध को याद कर लेना, वह संबंध प्रकट हो जाना और उस संबंध में अपना जीवन बिताना, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत सुनकर ऐसी मुक्ति को हम प्राप्त हो सकते हैं जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। परम सौभाग्य है कैसा दिव्य ग्रंथ आज हमें हमारे अपने गांव में बैठकर श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक तो यह दिव्य ग्रंथ है और ऊपर से दिव्य समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भक्तों, समय की अपनी महिमा होती है। आप सब किसान हो, आप जानते होंगे, कितनी भी अच्छी भूमि हो, कितना भी अच्छा बीज हो, लेकिन उस अच्छी भूमि में अच्छे बीज को रोपने के लिए अच्छा समय चाहिए। असमय में यदि आप रोपण करते हो तो वह बीज ठीक से फलीभूत नहीं होता है, और ठीक समय में आप बीज को बो दो तो वह एक बीज 70-80 गुना होकर प्रकट हो जाता है। समय की अपनी महिमा होती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो समय पर करते हैं तो उसका 70-80 गुना फल हमें मिलता है। वर्तमान में यह समय जो हमें जो समय गुजर रहा है, ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास। वैसे वेदों की गणना के अनुसार यह 12 महीनों में से एक अलग ही महीना है, क्योंकि भगवान ने देखा अपने धाम में रहकर कि मैंने ये मनुष्य की उत्पत्ति की भजन नहीं कर रहा है। और यदि कोई आकर उपदेश भी देता है तो कहता है कि हमारे काम का समय है, हमें काम करने दो। भगवान ने देखा कि सब लोग काम कर रहे हैं, नौकरी में लगे हुए हैं। ये सोचकर भगवान ने मनुष्यों के लिए 3 वर्ष में एक अधिक महीना दे दिया, एक्स्ट्रा मंथ। बोले, अन्य महीनों में तो आपका कमिटमेंट है काम करना, मेहनत करना, लेकिन मैं एक अधिक महीना, एक एक्स्ट्रा महीना देता हूं जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं, एकमात्र मेरी भक्ति करना, मेरी कथा सुनना और मेरा नाम लेना। तो भक्तों, ये अधिक मास है जिसमें भगवान की अधिक भक्ति की जाती है। खैर, अंग्रेजों ने तो अधिक मास रहने ही नहीं दिया, हमले अपने इंग्लिश महीनों में ऐसे ढाल दिया है हम लोगों को कि अधिक मास होते हुए भी हमें इस अधिक मास का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो अधिक मास का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ये भगवान कृष्ण का मास है, भगवान कृष्ण का महीना है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो पुरुषों में उत्तम है, जो सभी पुरुषों से श्रेष्ठ है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष के 2 अर्थ हैं, एक तो इस दुनिया के पुरुष, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्य, उन सभी पुरुषों से जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। संसार के पुरुषों की सुंदरता में जो सबसे उत्तम है, बल में उत्तम है, ज्ञान में, यश में, वैराग्य में, इन सभी मायने में संसार के पुरुषों से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं।
और पुरुष का दूसरा अर्थ है पुरुष अवतार। भगवान के बहुत प्रकार के अवतार हैं, मन्वंतरा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युगा अवतार, उनमें से एक है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार माने भगवान विष्णु, गर्भदक्षायी विष्णु, शिरोदक्षायी विष्णु और कारणदक्षायी विष्णु। इन विष्णु से भी जो उत्तम है, पुरुष अवतार में भी जो उत्तम है, उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। अर्थात जो संसार के सभी मनुष्यों से भी उत्तम है और भगवान विष्णु से भी जो उत्तम है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं, और वो है भगवान कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण का यह महीना है, इस महीने में अधिक से अधिक उनकी कथा का श्रवण करें, उनका नाम लें। वैसे अन्य दिनों में हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसका फल मिलता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम महीने में भगवत कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है, सैकड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो बहुत सौभाग्य है सारस्वत परिवार का, हम सब का, जो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में अधिक फल प्राप्त करने के लिए इस भागवत कथा का आयोजन हुआ। आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले श्री वेदव्यास मुनि की आज्ञा है कि भागवत जी की महिमा को प्रस्तुत करें, क्योंकि जब तक किसी विषय वस्तु की महिमा हम ठीक से नहीं जानते हैं, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है, और जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक इसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। भक्ति के साधनों में इस साधनों का फल चाहिए तो श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति के किसी भी अंग में श्रद्धा अपेक्षित है, जितनी श्रद्धा होगी उतना फल मिलेगा। साधन एक ही है, जैसे भगवत कथा कहने वाला एक है, एक ही कथा है, एक ही वक्ता है, एक ही ग्रंथ है, एक ही मंडप है, और जब श्रोता सुनते हैं तो सभी श्रोताओं को अलग अलग फल मिलता है। भगवत कथा सुनने का जो फल है वह भिन्न भिन्न है, वह फल उनकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है, श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ज्यादा फल मिलेगा। तो जिस ग्रंथ को हम 7 दिन तक श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ के प्रति, उस कथा के प्रति श्रद्धा हो। अतः श्री वेदव्यास जी की आज्ञा है भागवत के प्रथम सत्र में भागवत जी की महिमा कहे। तो आइए श्रीमद् भागवत की महिमा को हम श्रवण करें। वैसे बहुत बड़ा आश्चर्य है, भागवत जी की महिमा भागवत में नहीं बताई गई। भागवत की महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताई गई है। श्रीमद् भागवत से एक बहुत सुंदर उपदेश मिलता है, जहां भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं कही, इसका अर्थ है कि एक महान व्यक्ति अपने मुख से अपनी महानता प्रस्तुत नहीं करता है। जो महान होते हैं वे अपने मुख से अपनी महानता प्रस्तुत नहीं करते हैं। बड़ा बड़ाई ना करे बड़ान बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। बड़ा आदमी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है, जैसे हीरा, हीरा जब बाजार में रखा जाता है तो लोग उसका दाम लगाते हैं, ये 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का। वैसे देखा जाए तो उस हीरे का दाम 1,00,000 रुपये का है, लेकिन सब लोग 1,000, 2,000, 5,000 उसका दाम लगाते हैं, लेकिन आज तक हीरा अपने मुख से नहीं बोला कि मैं 1,00,000 रुपये का हूं।
हीरा कभी भी अपने मुख से अपना दाम नहीं बोलता है, इसलिए तो वह हीरा है। और हम लोग हमारे मुख से हमारी स्वयं अपनी प्रशंसा करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दान दिया है? ये महान व्यक्ति की महानता नहीं है। श्रीमद् भागवत महान है, ये ग्रंथ महान है, अतः भागवत की महिमा भागवत में नहीं, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। श्री वेदव्यास मुनि अन्य पुराणों से भागवत जी की महिमा बताते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम भागवत महात्म्य कहने से पहले एक श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए हम भी वेदव्यास जी के साथ प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास मुनि इस प्रथम श्लोक में कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। इस एक श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, कहते हैं कि हम प्रणाम कर रहे हैं उस भगवान को। क्या नाम है? कहते हैं कृष्ण। मानो वेदव्यास जी को कहा जाए कि आप जिस भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, उस भगवान कृष्ण का परिचय क्या है, कृष्ण का इंट्रोडक्शन दीजिए, इनका परिचय दीजिए। एक श्लोक में वेदव्यास जी कृष्ण का परिचय देते हुए कृष्ण का स्वरूप वर्णन, कृष्ण का सामर्थ्य वर्णन और कृष्ण का स्वभाव परिचय दे रहे हैं। स्वरूप परिचय, सामर्थ्य परिचय और उनका स्वभाव परिचय, एक श्लोक में ये तीनों परिचय दे रहे हैं। सर्वप्रथम पूछा जाए कि आप जिसे भगवान मानते हो, उस भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, तब कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। स्वरूप कैसा है? कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। वो कृष्ण जो है सत चित और आनंद से बने हुए हैं। कृष्ण का रूप सत चित और आनंद से बना हुआ है। भक्तों, हमारा ये जो स्वरूप है, हमारा जो शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, लेकिन कृष्ण का शरीर सत चित और आनंद से बना हुआ है। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर मिट जाता है, मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन सत चित और आनंद से बना हुआ शरीर नित्य बना रहता है। वे कभी नष्ट नहीं होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। सत का अर्थ होता है नित्यता, जो नित्य बना रहे। चित का अर्थ होता है ज्ञान, जिसका शरीर नित्य है, जिनका शरीर ही ज्ञानमय है। और आनंद, जिनका शरीर ही आनंद से बना हुआ है, जिसके शरीर में आनंद ही आनंद लगा हुआ है। हमारे शरीर में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लगा है, परंतु कृष्ण का शरीर आनंद से बना हुआ है। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा कि जैसे हम रात को फ्रीजर में पानी रख दें और सुबह वह बर्फ बन जाता है, वैसे ही दुनिया के सारे सुख को हम रात को फ्रीजर में रखें और सुबह खोलकर निकालें तो वही है साक्षात कृष्ण, जो आनंद घन मूर्ति है, आनंद का घनीभूत स्वरूप है। रामायण में जब वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, यह आनंद का साक्षात समुद्र है आपका पुत्र ये राम। और हमारे ब्रज में भी जब कृष्ण का जन्म हुआ
तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर गाया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो हम चौथे पांचवें दिन करेंगे, मैं मात्र आपको याद करा रहा हूं कि हमारे ब्रज में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर गाया, नंद के घेर आनंद भयो। नंद के घर पर किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ, क्योंकि ये आनंद की मूर्ति है, सत चित आनंद से बने हुए हैं। नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ, और हम लोगों के घर पर भी संतान का, बच्चों का जन्म होता है, लेकिन आनंद नहीं, वह बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, रोते हुए आता है। ये हमारा स्वरूप है, लेकिन भगवान का स्वरूप सत चित और आनंदमय है। तो स्वरूप बहुत अच्छा है, सच्चिद आनंद से बने हुए हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन देखा गया है इस दुनिया में कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका काम काज ठीक नहीं होता है, उसका काम अच्छा नहीं होता, दिखने में अच्छे हैं लेकिन उसका कार्य ठीक नहीं होता। वेदव्यास जी को पूछा जाए कि आप जिस कृष्ण को भगवान मानते हैं उसका स्वरूप तो बहुत अच्छा है, उसका सामर्थ्य क्या है? तब आगे कहते हैं, सत चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि है तवे। विश्व उत्पत्ति आदि है तव, उस कृष्ण का सामर्थ्य परिचय देते हुए कहते हैं कि कृष्ण वो है जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात जो इस संसार का सर्जन करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और जो इस संसार का प्रलय करते हैं, वही है भगवान श्री कृष्ण। सामर्थ्य परिचय, इस दुनिया में इससे बड़ा सामर्थ्य और किसका हो सकता है? लोक में, समाज में जब बात चलती है कि हमारे गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो यही सोचते कि जिसके खेत में ज्यादा उत्पादन होता है, जो ज्यादा उत्पादन करता है वही सबसे बड़ा है। भक्तों, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या उत्पादन कर सकते हैं? भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पादन करते हैं एक साथ, इसलिए कहते हैं विश्व उत्पत्ति, जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की है, करोड़ों करोड़ों जीव का उत्पादन करते हैं, और इतना ही नहीं, उस जीव का पालन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और समय आने पर उनका प्रलय भी कर देते हैं। जो संसार का सर्जन करे, पालन करे और प्रलय करे, वो है कृष्ण। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, कल्पान्ते एतदखिलं जठरेन गृहणन शेते पुमान। कहते हैं कल्प के अंत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, इस हजारों हजारों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण कर लेते हैं, अपने पेट में धारण कर लेते हैं और आराम से सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, समय आने पर प्रलय भी कर देते हैं। एक बार पांडवों में से मंजले भैया, जिसका नाम था भीम, जिसको भगवत गीता में वृकोदर कहा गया, अति भोजी कहा गया, और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भीम खाने में बड़े एक्सपर्ट थे, खाने का बहुत अच्छा अभ्यास था उनका। तो ये भीम और कृष्ण दोनों प्रिय मित्र थे, दोनों नर्म सखा थे, अर्थात कभी कभार एक दूसरे की मजाक किया करते थे, हंसी उड़ाया करते थे। तो एक दिन भीम कृष्ण को मिलने के लिए हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए,
जैसे ही द्वारपाल उस द्वार के पास पहुंचे, द्वारपाल ने कहा, आप कौन? बोले, मैं भीम। किसका काम है? कृष्ण का काम है, उसका मित्र हूँ, मिलना है। बोले, आप यहाँ खड़े रहो, मैं कृष्ण को खबर देकर आता हूँ। वह द्वारपाल उस अंतपुर में कृष्ण को खबर देने जा रहा है। उस समय भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे और द्वारपाल ने आकर कहा, कृष्ण आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आए। उस भोजन करते हुए कृष्ण ने कहा, भीम आए तो काम करो, उसे वहीं पर खड़ा रखो, क्योंकि वह पेटू है, वो अभी यदि यहां पर आ गया तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा, इसलिए उसे होल्ड करो, उसे वहीं पर रखो। अब क्या हुआ, जब द्वारपाल अंदर जा रहा था तो भीम ने सोचा, कृष्ण मेरा मित्र है और कृष्ण से मुझे परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तो भीम उस द्वारपाल के पीछे पीछे ही चलते हुए आ रहे थे। और कृष्ण ने जब कहा कि उस पेटू को, उस वृकोदर को, अति भोजी भीम को तुम बाहर ही खड़ा करो, नहीं तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा, जब कृष्ण ने कहा तो भीम ने सुन लिया, क्योंकि भीम पीछे पीछे ही आ रहे थे, पहुंच ही गए थे। भीम ने जब सुन लिया तो भीम कृष्ण के पास आए और कहने लगे, कृष्ण आप मुझे पेटू कह रहे हो, आप मुझे पेटू कह रहे हो, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खाता हूं? जब मुझे भूख लगती है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10-20 बाल्टी लड्डू खाता हूं, और उससे अधिक तो नहीं खाता हूं ना, मैं 10-20 बाल्टी लड्डू खा जाता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं खाता हूं, लेकिन कृष्ण आप जब खाना शुरू करते हो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को ही खा जाते हो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को ही अपने पेट में धारण कर लेते हो, दुनिया का सबसे बड़ा पेटू तो आप हो। कहने का अर्थ यह है भक्तों, भगवान कृष्ण ही संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। यह है कृष्ण का सामर्थ्य परिचय। तब मानो वेदव्यास जी को कहा जाए कि भाई इस भगवान कृष्ण का स्वरूप भी बहुत अच्छा है, इसका सामर्थ्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में देखा गया है कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और उनके कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, स्वभाव ठीक नहीं होता है, चिड़चिड़े